हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं बना रही हूँ हरे जो साबुत मूंग दाल होती है ना, उसी का मैं पराठा बनाने वाली हूँ और काफ़ी हेल्दी बनने वाला है फ्रेंड। आज का हमारा ये मैं डिनर में बना रही हूँ, आज का डिनर काफ़ी हेल्दी बनने वाला है। आप इसे बच्चे का लंच बॉक्स में बना कर दे सकते हैं। तो मैं ना सुबह में फूलने के लिए डाल दी थी हरे वाले जो साबुत मूंग दाल होता है, उसके बाद मैं शाम में इसको पीस ली हूँ। तो मैं यहाँ पर एक बार इस तरह से ग्राइंड कर ली हूँ, थोड़ा मोटा लग रहा था तो यहाँ पर एक बार पानी डाल करके मैं इसे एक बार फिर से थोड़ा सा दरदरा ही रखी। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अदरक ग्रेट कर ली हूँ और एक ना प्याज को मैं इस तरह से चॉप कर ली हूँ, थोड़ा सा धनिया पत्ता है, एक हरी मिर्च है और थोड़ा सा हमारे पास दाल भी बचा हुआ था तो मैंने वो दाल भी ले ली हूँ। अब मैं क्या करूँगी ना, इसमें हम डाल देंगे गेहूँ का आटा। तो जो नॉर्मल जो हमारा रोटी के लिए होता है ना आटा, वही मैं आटा ले रही हूँ। तो ये मैं आटा जितना आपको फैमिली के हिसाब से बनाना है उतना आप ले सकते हैं। तो मैं गेहूँ के आटा डाल दी हूँ और इसमें हम डालेंगे कुछ और जो हमारे पेट के लिए भी सही रहता है और खाने को भी ये टेस्टी बना देगा। तो पराठा जब भी मैं बनाती हूँ तेल में जरूर डालती हूँ। तो ये है अजवाइन, तो मैं एक छोटा चम्मच के जितना मैं अजवाइन डाल रही हूँ, एक छोटा चम्मच में जितना कलौंजी डाल रही हूँ, जिसे काला जीरा या मंगरेल भी बोलते हैं। मैं मोइन के लिए देसी घी डाल रही हूँ, ये घर का हमारा होममेड गाय का घी है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर काला नमक डाल रही हूँ और टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा मैं काला नमक डाल रही हूँ और आधा मैं यहाँ पर रेगुलर सॉल्ट जो होता है ना वही मैं डाल रही हूँ। मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से सबको। उसके बाद ना मैं जो दाल पीस करके रखी थी ना उसको भी डाल देंगे, ये मूंग जो पीस कर रखी थी ना हरी वाली। इस तरह से अगर बच्चों को खिलाएंगे ना तो वो बहुत ही अच्छी तरह से खा लेते हैं। थोड़ा डिफरेंट भी हो जाता है, रोज़ रोज़ क्या एक ही चीज़ खाना है, थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं बच्चों को लंच बॉक्स में इस तरह से बना के दे सकते हैं। मैं यहाँ पर घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा डाली हूँ और जो दाल बचा हुआ था ना उसको भी मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। तो अक्सर होता है घरों में दाल वगैरह बच जाता है फ्रेंड, तो आप इस तरह से वेस्ट ना करें, उसको डाल करके ना आटा में गूंद करके इस तरह से बना सकते हैं। थोड़ा सा कम पड़ गया था तो मैं थोड़ा सा पानी भी इसमें डाली थी। उसके बाद इस तरह से देखिए थोड़ा सा उंगली के निशाने ना घर घर में इस तरह से आटा गूंद करके पड़ता ही था, पहले इसी तरह से बनाई जाती थी। अब इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक मैं बाकी भी काम कर लेती हूँ। तब मेरे पास अभी दोपहर का जो राजमा चावल मैं बनाई थी दोपहर में तो सारा बर्तन पड़ा हुआ था, तो मैं सोची पहले इसको मैं धो लेती हूँ जब तक उधर रेस्ट कर रहा है आटा। तो यहाँ पर सारे बर्तन मैं धो ली हूँ, साथ में लंच वो खुशी पड़ी हुई थी बच्चों के और ऑफिस का इनका, तो मैं सारा यहाँ पर धो करके साथ के साथ मैं सेट भी कर दी बर्तन स्टैंड में। और यहाँ पर जो लंच बॉक्स है ना उसको मैं थोड़ी देर के लिए हवा लगाती हूँ, थोड़ा सा हवा लग जाती है ना ये तो थोड़ा सा स्मेल इसमें नहीं आता है। उसके बाद साथ के साथ मैं ढक्कन बंद करके रख देती हूँ, तो धोने के बाद पोंछ देती हूँ, पोंछने के बाद हवा लगा करके थोड़ा सा ड्राई कर देती हूँ, उसके बाद मैं ढक्कन लगा कर रख देती हूँ। क्योंकि रात में ना इस तरह से खुला नहीं रखती हूँ, नहीं तो कॉकरोच कभी क्या होता है चिपकली मार देता है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से रखती हूँ। और आटा भी 10-15 मिनट हो गया था, उसको मैं निकाल ली एक बार फिर से हाथ से मिक्स कर ली थी। और यहाँ हमारे हस्बैंड ना पराठे के साथ चाय ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ उनके लिए। और बेलना चकला मैं इस तरह से रखती हूँ, क्या होता है कभी कभी कुछ बाई चांस कभी कीड़े आ गया तो थोड़ा सा मुझे ना इस तरह से रखने पड़ता है। और यहाँ पर चाय के लिए पानी बैठाई थी, वाइल आ गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं चीनी। तो यहाँ पर मैं चीनी डाल रही हूँ, आप गुड़ के चाय पसंद करते हैं तो गुड़ भी डाल सकते हैं। और चाय पत्ती डाल दे रही हूँ और मैं इसमें डालने वाली हूँ दूध। तो ये कच्चा दूध है, अभी मैं जस्ट गाय का दूध लेकर आई हूँ, अभी हल्का गर्म ही है, तुरंत का गाय का निकाला हुआ दूध है देसी। और यहाँ पर मैं टी मसाला डाल रही हूँ, रेडीमेड मैं रखी हूँ। ऐसे तो मैं जिंजर वगैरह डाल करके बनाती हूँ लेकिन इसमें सारा मिक्स होता है तो बस ज़्यादा झंझट नहीं रहता है, इंस्टेंट चाय हमारी बन जाती है। तो वही थोड़ा सा मैं डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ, इससे कड़वा हो जाती है चाय, तो मैं थोड़ा सा ही मसाला डालती हूँ। और एक साइड में यहाँ चाय भी चढ़ा रखी हूँ, अब मैं पराठा बना लेती हूँ। तो इस तरह से आप चाहें तो तीन कोन भी बना सकते हैं, नहीं तो आप गोल भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है जैसा आपको अच्छा लगता है। यहाँ पर चाय भी देखिए बनने वाला है, 2-3 बॉयल आ जाती है, उसके बाद मैं गैस को बंद कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं उसको पकाती हूँ नहीं तो फिर चाय कड़वा हो जाती है। यहाँ पर देखिए तवा गर्म हो गया था, मैं फ्लेम को लो कर दी थी, उसके बाद उलट पलट करके दोनों साइड से सेक ली हूँ। और अब मैं इसमें घी डालने वाले हैं, तो ये घी जो गाय का हमारा दूध आता है ना उसी का मलाई का बनाती हूँ। मेरे घर में ना बच्चे बड़े कोई भी मलाई नहीं खाते हैं और मैं ये खाती थी तो अब मुझे भी डाइजेशन नहीं होता है, थायराइड प्रॉब्लम है तो उससे मुझे डाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, ज़्यादा कुछ खाती हूँ तो डाइजेशन नहीं होता है, तो मैं भी अब नहीं खाती हूँ मलाई। तो इसी को मैं घी बना लेती हूँ, हमारा दूध भी गाय का हो जाता है घर का और ये घी भी हो जाती है, तो मैं वही घी यूज कर रही हूँ यहाँ पर। आप रिफाइंड ऑयल बटर या मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं, मैं घी में बनाती हूँ पराठा, काफ़ी टेस्टी बनता है।
इस तरह से जब मैं घी डाल दी ना, तब मैं फ्लेम को ना हाई कर दी थी थोड़ा सा, इससे तो पराठा आपका क्रिस्पी बनेगा, बहुत अच्छा बनता है। तो मैं अपने अभी बेटे के लिए बना रही हूँ, और यहाँ पर उसको मैं इस तरह से सॉस में देती हूँ। मेरा बेटा या बच्चे जो है ना हमारे, वो सॉस में ही काफ़ी पसंद करते हैं, इस तरह से मैं उन लोग को सॉस में देती हूँ। और हस्बैंड को चाय के साथ पराठा पसंद है, मुझे ना अचार या चटनी के साथ पसंद है, तो मैं अचार के साथ खाती हूँ। बट आज मैं नहीं खाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अभी भूख नहीं लग रही है, मुझे बहुत डाइजेशन अभी बहुत मतलब बिगड़ा हुआ है, थायराइड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि। तो बस यहीं तक आज वीडियो है फ्रेंड।